दोस्तों, कोरोना को लेकर फिर से पूरे यूरोप में हड़कंप है और जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित दिख रहा है। हालांकि फ्रांस में भी जो है केसेस काफ़ी बढ़े हैं। ये सुनाई पड़ रहा है कि जहां जर्मनी में 50 से 52 हज़ार डेली केसेस आने लगे हैं, वहीं फ्रांस में जो है तकरीबन 20 हज़ार के आसपास केसेस आ रहे हैं। जर्मनी ने जो है ये कहना, जर्मनी में कई लोग ये मानने लगे हैं कि फोर्थ वेव ने जो है तकरीबन तकरीबन अब हिट कर दिया है जर्मनी को, और वहाँ की सरकार जो है, सरकार का परिवर्तन भी होना है अभी। एंजेला मर्कल जो है काफ़ी समय से जो है वहाँ पर सर्वे सर्वा थी, चांसलर थी, और अब जो है सत्ता हस्तांतरण होना है। लेकिन अच्छा, इसका वैक्सीन हेजिटेंसी की उतनी बात सामने नहीं आ रही है, तो एग्जैक्टली क्या कारण है इतने बड़े पैमाने पर दोबारा जो है एक वेव का आना, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और इसके बारे में जो है थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब जानकारी सामने आना चाहिए और हर देश को अपने यहाँ ब्रीफिंग करनी चाहिए कि जर्मनी और बाकी यूरोप के देशों में जो है फिर से जो है प्रसार क्यों हो रहा है। ये कोई एक रहस्य बनता जा रहा है। हालांकि जो WHO के अधिकारी हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने उन्होंने जो है एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये वायरस कहीं गया नहीं है, वायरस जो है वो तलाश में है और जिसको भी वो कमज़ोर पाएगा वो उसको जो है अपना शिकार बना लेगा। अब चूंकि यूरोप के कुछ देशों में जो है फिर से कोरोना का प्रचार प्रसार बढ़ गया है, तो बूस्टर डोज की बात जो है वो फिर से डिबेट पकड़ रही है जोर, कि क्यों ना जो है बूस्टर डोज पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो है जो अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, चाहे चाहे जो है जो इन्फेक्शन जो है उसकी जो तीव्रता है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। अगर इन्फेक्शन कोई होता भी है तो भी कम से कम जो है वो मतलब घर में रहते ही जो है वो ठीक हो जाए। इसके लिए अगर वैक्सीन का बूस्टर डोज अगर कुछ काम करता है, तो इसके बारे में जो है स्टडीज़ बहुत तेज़ी से और बहुत गंभीरता से जो है दुनिया भर में अब चलने लगे हैं। बाकी देशों को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने जो है अब नॉर्मल एयर जो है मतलब आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भी जो है नॉर्मल उन्होंने शुरू कर दिया है, और ये ख़तरनाक बात हो सकती है अगर कोई ऐसा वेरियंट है जो कि किसी 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 देश में जो है ज़्यादा फैला रहा है कोरोना को। तो भारत समेत सभी देशों को जो है इसके बारे में जो है तुरंत जीनोम सिक्वेंसिंग करके पता लगाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह से जो है इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है कि जो है फिर से एक बड़ी लहर आए, भारत जैसे देश में तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जो भी है उसको ताबड़तोड़ लगवा करके जो है आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वही आप अभी कर सकते हैं। सरकार भी जो है वो लगातार नज़र रखे और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उसके बारे में कम से कम कोई तरह का एक बुलेटिन या कि कोई तरह का एक जानकारी जो है साझा करना शुरू करें, जिससे लोग सावधान रहें। और ये एक बड़ी ख़राब बात है कि यूरोप में जो वर्तमान में जो लहर आई हुई है कोरोना की, उसके पीछे एग्जैक्टली कारण क्या है इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा अभी तक मैंने मीडिया में नहीं देखी है। इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए और उसको समझने की ज़रूरत है।